आप तो उनके खुदा 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 करते हैं, कभी खुदा को देखा नहीं, यही तो आप अल्लाह की बात करते, कभी अल्लाह को देखा नहीं, यही चाहते, यही मन। मैंने कहा ना कि मैं उस समाज से हूँ जिस समाज में भगवान ने जन्म लिया है, आपके समाज में कौन से भगवान पैदा हुए? आप तो के अंदर बुद्ध के नाम पे पूरे देश में कत्लेआम करते हैं। आप क्या बात, आपको क्या मालूम है? खेलते हम दिवाली, यादव समाज से मैं हूँ, इसमें भगवान ने जन्म लिया है, आपको इसमें कौन से भगवान ने जन्म लिया? खुदा जिनको देखा है हमने, ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है ठीक है, हो गया हो गया, ठीक है। इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा था मैं हिंदू मुस्लिम पे चर्चा नहीं कर रहा था, भारत सभी का देश है, मैं इस पे चर्चा नहीं कर रहा था, फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगा। डीपी यादव जी, रामनिवास यादव जी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घटना हो रही है इससे यादव समाज का छलावा इसे कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, आप इसको कितना सही मानते हैं, क्या ऐसा सच में है? देखिए नितिन जी, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा इस ताक में रहते हैं, इस अवसर की तलाश में रहते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को या देश को जातियों के विभिन्न जातियों में बांटा जाए, धर्मों में बांटा जाए उनको, और कहीं ना कहीं उनको आपस में लड़ा करके जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करनी, उसको प्राप्त किया जाए। अब देखिए यहाँ पर ये यादवों के ठेकेदार बन रहे हैं कि यादव 40% उधर गया, 10% उधर गया, तो इकट्ठा आ गया तो ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला, भारत वर्ष में रहने वाला सब राष्ट्रभक्त है। अगर आपको कहीं से जानकारी होती है कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट है तो आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कराइए, जांच कराइए लोगों के ऊपर कि केवल आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, केवल चिन्हित करते हैं कि फलाने समाज ने देश के साथ राजदूत द्रोह किया है, फलाने समाज ने एंटी सोशल एलिमेंट है ये, और कहीं ना आधार पर विभाग बांटा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जाति के आधार पर विभाग बांटा गया, और भारतीय जनता पार्टी जाति व्यवस्था कायम करना चाहती है कि फिर से जाति व्यवस्था कायम हो, जो लोग जिस प्रकार से रहते थे सदियों पहले उसी हिसाब से इस देश में रहे, भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है। ठीक है ठीक है ठीक है, शिव शरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव शरण जी, अब जैसा कि रामनिवास जी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घटना हो रही है उत्तर प्रदेश में विपक्ष के अंदर, इससे यादव समाज जिसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था उस वक्त जब शिवपाल सिंह यादव सपा में आए थे, वो अपने आप को काफी कुछ ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसके साथ छलावा हो रहा है, इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से अब कही जा रही हैं। और डीपी यादव जो प्रसपा से हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इस बार जो विभागों की सूची आई है या जो विभाग बांटे गए हैं मंत्रियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो भी जातिगत आधार पर बांटे गए हैं। तो इन दोनों बातों में कितना मिलाप है, कितना इसे सही माना जाए? शिवशरण जी आप मुझे सुन पा रहे हैं?